वहीं झांसी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बालाजी ज्वेलर्स संचालक के पुत्र गौरव पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला बोल दिया। ये मामला देर रात का है जब कुछ लोग प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बात करने के लिए वहां पहुंचे। वहीं मौका देखकर उन्होंने गौरव पर चाकू से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिवार ने भी मामला दर्ज करवा दिया है और अब तमाम लोगों से बातचीत करते हुए उनके बयान लेते हुए पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। परिवार ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर सोनी नाम का एक आरोपी पकड़ा गया है। घायल गौरव का इलाज मेडिकल कॉलेज में चलाया जा रहा है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। इस तरह से प्रॉपर्टी विवाद का यह मामला झांसी से सामने आया जहां इस विवाद में चाकू से हमला बोला गया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है। घायल शख्स के परिजनों से बातचीत की जा रही है। उनसे ही पूरा विवाद समझा जा रहा है कौन कौन लोग इस झगड़े में इस पूरे विवाद में शामिल है। हालांकि परिवार ने आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रॉपर्टी विवाद के इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तफ्तीश पुलिस की जारी है और एक एक करके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस मामले में आगे कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है। तो झांसी से प्रॉपर्टी विवाद का मामला जो एक परिवार पर भारी पड़ गया। एक परिवार के सदस्य को जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया गया, उसे घायल कर दिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को कॉल करके बुलाया गया वहां पर। उसके बाद फिर पुलिस के हवाले आरोपी शख्स को कर दिया गया। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तमाम लोगों से बातचीत करते हुए उनके बयान लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है।